दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दिवाली हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है। दीपावली की रात्रि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी देवों को उनकी देवियों के साथ ही पूजा जाता है, तो आखिर माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ क्यों नहीं की जाती है, और दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ क्यों पूजा जाता है भगवान श्री गणेश को? आखिर क्या संबंध है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का? आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही पौराणिक कथाओं से जुड़े वीडियो लाते रहते हैं, तो ज्यादा समय न गंवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी धन की देवी होती है। दिवाली पूजन में हर कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर उन्हें हमेशा अपने घर में रखने की मनोकामना के साथ उनका पूजन करता है। उन्हीं की कृपा से संसार में मनुष्यों को धन दौलत की प्राप्ति होती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से होने के कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरती है। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। इसी कारण दीपावली पूजन में लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से पाने के लिए लोग लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा गणेश जी के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ लाभ गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी से भी जुड़े हैं। लाभ के बिना लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता है, और लाभ शुभ समय में ही होता है, यानी कि शुभ और लाभ के आगमन से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए लक्ष्मी का आगमन और बुद्धि विवेक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भी लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन होने का एक विशेष कारण है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि धन प्राप्ति के लिए सारा संसार उनकी पूजा करता है। भगवान विष्णु को उनकी यह भावना ज्ञात हो गई। उन्होंने माता लक्ष्मी का अहंकार दूर करने के लिए उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए ललाहित रहता है, फिर भी आप अभी तक अपूर्ण हैं, क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है। कोई भी नारी पूर्ण तभी होती है जब उसकी कोई संतान हो। माता लक्ष्मी को यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ, और उन्होंने अपनी सखी माता पार्वती को अपने दुख का कारण बताया और उनसे मदद मांगी। माता पार्वती के दो पुत्र होने के कारण उन्होंने माता लक्ष्मी के दुख को देखते हुए अपने पुत्र गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। पार्वती माता ने लक्ष्मी जी से कहा कि आज से गणेश आपका और मेरा दोनों का ही पुत्र है। माता पार्वती जानती थी कि लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, इसलिए वह गणेश का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन लक्ष्मी जी की हालत देखकर माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी जी को मानस पुत्र के रूप में सौंप दिया। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने पार्वती माता को वचन दिया कि वे अपने पुत्र गणेश का सदैव ध्यान रखेगी, और जब जब मेरी पूजा होगी तब तक गणेश का पूजन भी मेरे साथ ही होगा, और गणेश के पूजन के बाद ही मेरी पूजा संपन्न मानी जाएगी। यह संसार जब लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करेगा, तो ही मैं आशीर्वाद देकर उनकी पूजा को स्वीकार करूंगी। इसलिए तभी से दीपावली पूजन में माता लक्ष्मी का भगवान गणेश के साथ पूजन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश लक्ष्मी जी के मानस पुत्र है, और माता लक्ष्मी के द्वारा पार्वती माता को दिए हुए वचन के कारण माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ना कि भगवान विष्णु की। दोस्तों, दीपावली पर गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति को हमेशा लक्ष्मी जी की मूर्ति के बाईं ओर ही स्थापित करें, क्योंकि आदि काल से ही पत्नी को वामांगी कहा गया है, अर्थात बायां स्थान पत्नी का माना जाता है। अतः पूजा करते समय माता लक्ष्मी को सदैव दाहिनी ओर ही स्थापित करें, तभी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।
ऐसी ही पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।